इन दिस वीडियो वी कैन लर्न अबाउट द मार्जिनल टैक्स रिलीफ। मार्जिनल टैक्स रिलीफ क्या होता है और ये कैसे कैलकुलेट होता है विथ एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। मार्जिनल टैक्स रिलीफ का उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर आपकी थोड़ी सी इनकम बढ़ने से आपकी टैक्स की लाइबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई, वहाँ पर मार्जिनल रिलीफ का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि मार्जिनल टैक्स रिलीफ सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम में ही बात मिलता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ए और बी दो पर्सन है, ए की इनकम है 7 लाख रुपीस, उस पर एज पर न्यू टैक्स रिजिम हम टैक्स कैलकुलेट करें तो 25,000 टैक्स आता है। एज पर न्यू टैक्स रिजिम अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है और आपकी टैक्स की लाइबिलिटी 25,000 तक है तो आपको सेक्शन 87A में रिबेट मिल जाती है। 7 लाख तक इनकम पर कोई आपको टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ी सी बढ़ गई, दूसरे एग्जाम्पल में 7,15,000 आपकी इनकम हो गई, तो आपकी टैक्स की लाइबिलिटी आ गई 27,250 रुपये, यहाँ पर आपको सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलती। अब यहाँ पर टैक्स पेबल आया 27,250 रुपये, आपकी इनकम तो सिर्फ 15,000 बढ़ी लेकिन आपको टैक्स की लाइबिलिटी 27,000 तक बढ़ गई। यहाँ पर गवर्नमेंट मार्जिनल टैक्स रिलीफ देती है। अगर आपकी टैक्स की लाइबिलिटी बढ़ी, उससे कम अगर आपकी इनकम बढ़ी हो, उसको बात करने के बाद जो अमाउंट आता है उसे मार्जिनल टैक्स रिलीफ कहा जाता है। मीन्स गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी इनकम जितनी बढ़ी उससे टैक्स की लाइबिलिटी नहीं बढ़ सकती, मीन्स कि आपकी जितनी इनकम बढ़ी उतना ही आपको टैक्स पे करना है। इस केस में हमको 15,000 तक टैक्स पे करना है, उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मीन्स कि 600 रुपीस, यहाँ पर आपका टोटल टैक्स पेएबल आ गया 15,600 रुपीस। आई होप आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसी तरह सरचार्ज पे भी मार्जिनल रिलीफ मिलता है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है या 1 करोड़ से ज़्यादा है, वहाँ पर आपको सरचार्ज आता है, वहाँ पर भी मार्जिनल रिलीफ मिलता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।